नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे हथेली में ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं जो बहुत ही कम लोगों के हथेली में पाए जाते हैं। ये चिन्ह बड़े बड़े लोगों, बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े जैसे बड़े कलाकार हैं या किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊँचे अवस्था में पहुँचे हुए लोग हैं जिनके हथेली में ये रेयर चिन्ह देखने को मिलता है। जैसे देख ले, किसी जातक की अगर हथेली को आप देख लेते हैं कि हथेली का ये बनावट वर्गाकार हो, ध्यान दें, ये हथेली का ये बनावट जो है स्क्वायर शेप में हो, साथ में ये हथेली बड़ा हो, चौड़ा हो और गद्देदार हो, और उस पर एक जो है सूर्य रेखा, सूर्य किसी भी व्यक्ति का जो है लंबी सूर्य रेखा बिल्कुल इस पर सूर्य देख लीजिए, ये छोटी उंगली की ये बगल वाली उंगली जो होती है उसके नीचे जो क्षेत्र में पहुंचता है ये हमारा सूर्य का क्षेत्र होता है, लंबी और साफ सुथरी सूर्य रेखा हो तो ऐसे जातक का बहुत नाम होता है। लोग दूर दूर तक ऐसे लोगों को जानते हैं, जितने भी बड़े हैं, चाहे बड़े लीडरशिप राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, बड़े व्यवसायी हो, जिनको लोग दूर दूर तक जानते हैं, जिसका नाम फैला हुआ है, यश फैला हुआ है, किसी कार्य क्षेत्र में विशेष किए गए कार्य के द्वारा कुछ फैला हुआ है, आपकी उनके हथेली में एक अच्छी सूर्य रेखा आपको अवश्य मिलेगी। तो सूर्य रेखा क्या देता है? सूर्य रेखा लोगों को यश देता है, कृति देता है, नाम देता है, सम्मान देता है, समाज में अच्छे स्थिति को प्रदान करता है। ये तो हो गई एक स्थिति। अब चलिए दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। अगर किसी जातक के हथेली में साफ सुथरी और अच्छी सूर्य रेखा हो, साफ सुथरी अच्छी, ये सूर्य नहीं भाग्य रेखा हो, और ये भाग्य रेखा जो है उस जातक के हथेली में इस प्रकार से एक बुध पर ट्रायंगल बनाता हो, ये देख लीजिए, ये ट्रायंगल, ये त्रिभुज, ऐसे चिन्ह भी बहुत कम देखने को प्राप्त होते हैं। भाग्य रेखा के द्वारा और स्वास्थ्य रेखा के द्वारा बना गया त्रिभुज, ये भी चिन्ह बहुत कम लोगों के हथेली में होते हैं। ये तीनों कोण बंद होना चाहिए, ये विशेष लाभ को दिखलाता है, विशेष प्रतिभा को दिखलाता है। ऐसे जातक के अंदर किसी भी चीज़ को मैनेजमेंट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। आइए तीसरी चिन्ह के विषय में बात करते हैं। पहला नंबर, किसी जातक की हथेली वर्गाकार हो ऐसा प्रतीत हुआ, एक सिद्ध से उंगलियां निकली है, ये छोटी उंगली पर ध्यान दें, छोटी उंगली लंबी हो, कितनी लंबी, आपकी ये जो अनामिका उंगली है इसके आधा तक, यहाँ तक पहुँच जाए, ये भी रेयर केस में है, होता है, बहुत कम लोगों को 2-3% हथेली में मिलेगी आपको देखने की। ऐसे जातक में मनी मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होता है, ऊर्जा तो बहुत होती है, कार्य करने की इच्छा ऊर्जा बहुत होती है, मनी मैनेजमेंट, पैसे से पैसा कमाना ऐसे जातक जानते हैं, ये जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। मुश्किल से आपको 4 से 5% लोग ही ऐसे मिलेंगे जिसकी छोटी उंगली, आप देख लीजिए अपने समाज में देख लीजिए, अगर कोई अरबपति करोड़पति दिखता है तो उसकी हथेलियों को एक नज़र देख लीजिएगा। ये जो प्रथम पोर है इसके यहाँ 50% ऐसे ऊपर हो या 50% तक हो, ये तो अति शुभ मानी जाती है। आइए और अन्य चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि रेयर केस में देखने को मिलता है। किसी भी जातक को जीवन में आगे बढ़ने में उसकी मस्तिष्क रेखा का बहुत बड़ा रोल होता है, ये होता है हेडलाइट, क्योंकि वो कोई भी कार्य करता है या उसकी कार्य करने की क्षमता क्या, उसकी बौद्धिक क्षमता, क्योंकि मस्तिष्क उसके बौद्धिक क्षमता को दिखलाता है। मस्तिष्क माने होता है हेड, आप क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। कोई भी आदमी शारीरिक श्रम से आगे नहीं बढ़ता, ये बात विचार करने योग्य है, कोई भी व्यक्ति है तो वो शारीरिक श्रम से कितना अधिक आगे बढ़ सकता है। एक मजदूर अगर दिन भर खेत में काम करेगा तो कितना आगे बढ़ सकता है, लेकिन वही व्यक्ति मानसिक स्थिति से अगर बैठ के कंप्यूटर पे काम करेगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी ही कुछ बात होती है, या फिर कहीं मानसिक स्थिति द्वारा लोगों से काम करवा लेगा वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो मानसिक बौद्धिक क्षमता आपकी ये हेडलाइन दिखलाती है, हेडलाइन की स्थिति आपकी जो है उसमें व्यवहारिकता और कल्पनाशीलता दोनों होनी चाहिए, तो उसके क्या गुण है। अगर मस्तिष्क रेखा आपके नीचे घूम रही है तो ये आपकी कल्पनाशीलता को दिखलाता है, लेकिन जब मस्तिष्क रेखा से एक पार्ट इस प्रकार से ऊपर की ओर जाते हुए प्रतीत हो तो ये आपके व्यवहारिकता को दिखलाता है। तो बौद्धिक स्तर मजबूत होगा, व्यवहारिक रूप से क्या करना है और कल्पनाशीलता, सोचना क्या है, आप किसी विषय पर अच्छी तरह से सोच सकते हैं, और उसको जो है ज़मीन पे उतारने का कार्य ये रेखा करता है। तो ये मस्तिष्क रेखा का दो भागों में बंटना भी अति शुभ कहलाता है। ऐसे लोग बहुत ही बैलेंस होकर आगे बढ़ते हैं जीवन में। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।